हेलो स्टूडेंट दिस इज सचिन मोदी और आज मैं यहां पर आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्लॉक के टॉपिक के बारे में जैसा कि हमारे सभी स्टूडेंट जानते हैं कि क्लॉक का ये टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है और क्लॉक के टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे भी जाते हैं क्योंकि एस के अंदर हमेशा आपके एक या दो क्वेश्चन क्लॉक से आते रहते हैं देखिए इस अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक कुछ इस तरह की होती है जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं यानी कि एक क्लॉक के अंदर जो कुछ बेसिक चीज़ें होती है वो क्या होती है नंबर होते हैं एक से लेकर बारह तक ठीक है तीन सुइयाँ होती हैं यानी तीन हैंड होते हैं जिस हम कह सकते हैं हार हैंड देन मिनट हैंड देन सेकेंड हैंड यानी टोटल तीन हैंड हमें एक क्लॉक में मिलती है आई होप सो ये बेसिक जानकारी आप सभी को पता होगी अब देखिए हमें करना क्या है हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक क्लॉक के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है किस तरह से बनता है और ये बेसिक जानकारी हमें किस तरीके से याद करनी है तो चलिए सबसे पहले हम कुछ पॉइंट को देखते हैं देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं कि क्लॉक कुछ इस तरीके से होती है लेकिन अगर हम एंगल की बात करें तो बारह घंटे में तीन डिग्री का एंगल बनता है इसका मतलब कि अगर मुझे यह चीज़ पता हो कि एक क्लॉक में 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो जो घंटे वाली सुई होती है वो एक घंटे में बनाएगी 360 सौ साठ बटे बारह इट मींस थर्टी डिग्री अब देखिए अभी तक हमने बात करी है घंटे की सुई के बारे में इट मींस हार हैंड के बारे में कि हार हैंड में एक घंटे में टोटल तीस डिग्री का एंगल बनता है तो देखिए 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री यस यू नो क्योंकि एक घंटे बराबर 60 मिनट एंड एक घंटे बराबर 30 डिग्री इट मींस आई कैन से 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री तो अब देखिए घंटे की सुई यानी हार हैंड एक मिनट में कितना एंगल बनाएगी तो आई कैन से वन मिनट इज इक्वल टू 30 बाय 60 तो 30 बाय 60 क्रॉस किया 1 बाय टू डिग्री इट मीनस हार हैंड मेक एंगल इन वन मिनट इज इक्वल टू वन बाई टू बट इन वन हार इन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री क्लियर चलिए अभी तक हमने ये पूरी बात करी जो है यह पूरी बात करी है हमने केवल हार हैंड की अब हम बात करेंगे यहां पर मिनट हैंड की देखिए मिनट हैंड की अगर हम बात करते हैं तो वी नो दैट सिक्सटी मिनट ठीक है यानी कि साठ मिनट में जो एंगल बनता है वो बनता है तीन सौ साठ डिग्री का इसका मतलब कि एक मिनट में एंगल कैसा बनेगा तीन सौ साठ बटे साठ यानी कि छह डिग्री तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि एक मिनट में जो एंगल बनता है वो बनता है छह डिग्री के बराबर अब देखिए ये हमने बात करी है किसकी मिनट हैंड की इससे पहले हमने बात की थी हार हैंड की अब हमें बात करनी होगी सेकंड हैंड की अब देखिए सेकंड हैंड में क्या होता है वन मिनट इज इक्वल टू सिक्स यस यू नो वन मिनट इज इक्वल टू सिक्स सेकंड इट मींस इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री तो एक सेकंड बराबर क्या होगा तीन सौ साठ बटे साठ यानी कि छह डिग्री तो याद करना आसान हो गया कि मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड दोनों एक मिनट में और ये एक सेकेंड में छह डिग्री का एंगल बनाती है स्टूडेंट तो इस पूरे सेशन में हमने सबसे पहले देखा एक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट क्लॉक अब देखिए रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं क्या इस ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि रिलेटिव स्पीड निकाली कैसे जाती है तो ध्यान रखिएगा रिलेटिव स्पीड हम जो निकालेंगे वो पर मिनट निकालेंगे कैसे देखिए आप सभी जानते हैं कि जो रिलेटिव स्पीड होगी वो किसकी होगी एक स्पीड होगी हार की और एक होगी मिनट की क्योंकि सेकंड की सुई की रिलेटिव स्पीड नहीं निकल सकती क्योंकि वो स्थिर नहीं होती और जब तक वो एक कांस्टेंट नहीं होगी उसकी रिलेटिव स्पीड नहीं निकाल पाएंगे ये चीज क्लियर है तो देखिए रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे वन मिनट इज इक्वल टू सिक्स डिग्री यस yes no? यानी कि एक मिनट यानी मिनट वाली सुई एक मिनट में बनाती है छह डिग्री का एंगल और जो घंटे वाली सुई होती है इट मीन हार एंड जो होती है, वो एक मिनट में बनाती है आधे डिग्री का एंगल इट मीन सिक्स माइनस बाई टू तो वी कैन से जो हार एंड और मिनट हैंड की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी इलेवन बाई टू डिग्री पर मिनट क्लियर है तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं एंगल का और देखते हैं कि क्वेश्चन जो एंगल का है उसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर की तरफ तो जैसे कि स्टूडेंट अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया है question है व्हाट इज द एंगल क्लॉक एट एट ट्वेंटी फोर पी एम यानी कि आठ बज के चौबीस मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा एंड द ऑप्शन आर हंड्रेड डिग्री वन डिग्री वन डिग्री एंड वन डिग्री तो guys, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक नंबर वन एंड ट्रिक नंबर टू अब देखिए ट्रिक नंबर एंड ट्रिक नंबर टू दोनों में क्या डिफरेंस है एंड इन दोनों में से जो सबसे शॉर्ट टाइम में किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है देखिए देखिए तो देखे, ट्रिक नंबर वन को हमें किस तरीके से अप्लाई करना है वी नो दैट वन हार इज इक्वल टू

अब जो घड़ी की घंटे वाली सुई होती है वो डेफिनेटली मिनट में भी रन करती है क्योंकि हमें पता है कि घंटे वाली सुई एक मिनट में बनाती है आधा डिग्री का एंगल यानी कि अगर हम जानते हैं कि हार हैंड मेक्स एन एंगल इन मिनट वन मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री इट मींस 24 मिनट में ये कितना आ, कितना रन करेगी 24 फोर मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू इट मीन्स ट्वेल्व डिग्री तो टोटल हार हैंड ने जो एंगल बनाया वो होगा टू फोर्टी प्लस ट्वेल्व इज इक्ल टू टू फिफ्टी ना अब हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है टू फिफ्टी टू डिग्री लेकिन ये एंगल जो है ये है हमारे हार हैंड का अब हमें यह देखना है कि मिनट हैंड किस तरीके से यहां पर एंगल भी बनाती है तो देखिए हमें जो मिनट हैंड के लिए लेना है वो है यानी कि हमें पता है कि चौबीस मिनट का ही हमें एंगल डेफिनेटली निकालना होगा तो ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्स इज इक्वल टू वन फोर्टी फोर अब देखिए हमारे पास जो मिनट की सुई है उसने जितना एंगल बनाया वो एक सौ चौवालीस डिग्री हुआ तो अब हमें क्या करना है टेक अ डिफरेंस डिफरेंस इज इक्वल टू टू फिफ्टी टू माइनस वन फोर इज इक्वल टू वनो एट इट मीन से पहला तरीका क्या हुआ घंटे वाली सुई और जो मिनट के अंदर जो ट्रेवल करती है घंटे वाली सुई उसको काउंट करके सबसे पहले तो आपको हार हैंड के जो टोटल एंगल है उसे निकालना है देन आपको क्या करना है कि मिनट हैंड के जो एंगल है उसे निकालना है और दोनों का डिफरेंस ले लेना है तो जब आप दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा क्लियर है

अब आपको क्या करना है ए के प्लेस पे आपको हार हैंड रखना है बी के प्लेस पे आपको मिनट हैंड रखनी है और सीधे सीधे आंसर निकालना है कैसे थर्टी इन टू एट माइनस इलेवन बाई टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर वेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू गेट टू फोर्टी माइनस वन थर्टी टू इज इक्वल टू वन जीरो एट नाउ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 108. So guys, आप इस ट्रिक का यूज करके और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कभी भी घड़ी के किन्नी भी दो हैंड्स के बीच के अंदर आप कभी भी एंगल निकाल सकते हैं क्लियर है तो इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ थैंक यू सो मच